त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के इस खास स्पेशल शो जिसका नाम है गांव की सरकार R9 भारत आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ है, जिसमें हम आपको बताएंगे सभी प्रत्याशियों के रिपोर्ट कार्ड और क्या है जनता की राय। तो आइए शुरू करते हैं ये सिलसिला। टपरदागा पंचायत की मुखिया प्रत्याशी शीतल चौधरी से की गई चुनावी मुद्दे पर कुछ खास चर्चा, आइए सुनाते हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 भारत। मैं डंडा प्रखंड के छपरदागा पंचायत में आया हूँ। यहाँ पे मिलेंगे छपरदागा मुखिया प्रत्याशी शीतल चौधरी से, आइए बात विमर्श कुछ करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है R9 भारत में। धन्यवाद। R9 भारत के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। डंडा प्रखंड के छपरदागा पंचायत के सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। झारखंड में आप डंडा प्रखंड में चौथे चरण के चुनाव चल रहा है, पंचायत चुनाव, इस विषय में आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन आ रहा है मतदान का, तो सोच समझ के मतदान करिएगा, क्योंकि अभी का टाइम जो है उसमें पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार को चुनिए, ताकि आपका जो पंचायत है उसको विकास की ओर लेके जाए। आपको मैंने कई सारे अभियान देखे या काम देखे जिसमें जाकर महिलाओं एवं युवाओं को जागरूक करते रहते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? जी बिल्कुल, क्योंकि आज के डेट में हमारे पंचायत में इतने पीछे हैं महिलाएं, युवा इतने पीछे हैं, आत्मविश्वास उनमें बहुत कम है, तो उस पे मेरा ज़्यादा जोर है, क्योंकि नारी शक्ति ही हमारी मतलब देश की शक्ति होती है। उनके बिना ना देश आगे चल सकता है ना पंचायत। तो हम युवा और नारी को प्रणाम करते हुए बोल रहे हैं कि आगे बढ़िए, घर से निकलिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए और हमारे साथ आइए, हमारा सहयोग करिए। आपको शिक्षा के प्रति क्या कहना है? शिक्षा हमारे जीवन का आधार है, उनके बिना जीवन एकदम अधूरा है, तो शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग से भी अपील करते हैं कि शिक्षा को महत्व दीजिए, शिक्षा को पहले नंबर पर रखिए, उसके बाद कोई चीज़ देखिए। तो शिक्षा बहुत जरूरी है हमारे पंचायत के लिए, हमारे देश के लिए। सभी महिलाओं युवाओं बच्चों को बोलेंगे कि शिक्षा पर ज़्यादा जोर दीजिए, और हम भी प्रोत्साहित करते रहते हैं शिक्षा को लेकर। आप एक महिला हैं, पंचायत की महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, पंचायत की महिलाएं अभी बहुत पीछे है, घर से निकलना नहीं चाहती है, तो हम उनका एक मार्गदर्शक बनना चाहते हैं, उसके आगे खड़े रहना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि महिलाएं मेरे पीछे खड़े रहें, मेरे कदम से कदम मिला के चले, ताकि उनके लिए जो मैंने सोचा है वो मैं पूरा कर सकूँ और मैं उनका ताकत बन सकूँ। अगर अपने छपरदागा पंचायत वासियों को क्या कहना चाहिए? पंचायत वासियों से हम अपील करना चाहेंगे कि 27 तारीख को मेरा छाप बलिवार छाप क्रमांक संख्या 3 पे है, उस पे मुहर लगाकर अपना अधिकार, अपना हक को दिखाएं, अपना पावर को दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे मेरे विरोधी बहुत सारा आपके मन में सवाल, आपके मन में शंका भरते होंगे कि शादी कर मतलब पंचायत के बाद, पंचायत चुनाव के बाद जीत के यहाँ नहीं रहेगी, पति के साथ चली जाएगी। तो उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि ये अब बायोमेट्रिक का जमाना आ गया है, अगर 3 दिन मेरा मतलब स्कैन नहीं होगा अंगूठा, तो वो मतलब उप मुखिया को चला जाएगा पावर, तो इस वहम में नहीं रहें। और दूसरी बात की बोलते हैं कि बहू बेटी क्या कर लेगी, बहू बेटी का क्या कर लेगी, उनसे कहना चाहते हैं कि आज की बहू बेटी उनसे तो बहुत आगे है, क्योंकि आज की बहू बेटी एरोप्लेन उड़ा सकती है, क्या बोलते हैं, ट्रेन चला सकती है, तो ये वह मीनार है कि आज की बहू बेटी क्या कर लेगी। अगर उनमें है, उनमें क्षमता है कि आज लैपटॉप चला लेंगे, ईमेल भेज लेंगे, एप्लीकेशन लिख लेंगे, DC से बात कर लेंगे, तो हो सकता है कि वो काबिल है, लेकिन आज की बहू बेटी को वो पीछे ना समझे। धन्यवाद। अगर आप छपरदागा पंचायत की मुखिया बनती है, सबसे पहला कदम आपका क्या होगा विकास के रूप में? देखिए, मेरा सबसे पहला कदम होगा शिक्षा, शिक्षा उसके बाद स्वास्थ्य, क्योंकि शिक्षा का स्थिति अभी बहुत ख़राब है। हमारे स्कूल को देख लीजिए, स्कूल का स्थिति मतलब स्कूल लगता ही नहीं कि वो स्कूल है, पूरा खुला हुआ है, बच्चे उसमें पढ़ते नहीं हैं, बाहर ध्यान देते रहते हैं, देखिएगा स्कूल में जाके तो बच्चे बाहर घूमते रहते हैं, पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, तो किसी के घर के पीछे बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और टीचर लोग कुर्सी एकत्रित करके वहाँ मीटिंग करते रहते हैं, कोई नहीं ध्यान देता है। तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि शिक्षा को सुधारना, उसको स्कूल का बाउंड्री टर्न करना, वहाँ पे मीटिंग करवाना पेरेंट्स का और खुद जाके निरीक्षण करना, उसके बाद स्वास्थ्य आएगा, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना शिक्षा भी नहीं हो सकता, तो हॉस्पिटल का स्थिति भी बहुत दयनीय है, तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द
उनको फिनिश करवाया जाए और वहाँ पे सरकारी कर्मचारी को नियुक्त किया जाए। पंचायत चुनाव लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य है पंचायत को विकास की ओर लेके जाना और महिला की सशक्तिकरण के हेतु उनको आगे लाना, युवाओं को बेरोजगारी से हटा के उनको उनका आत्मनिर्भर बना। मैंने सुना है कि पंचायत के मरीजों के सेवा के लिए अपने घर से हॉस्पिटल तक भिजवाने का काम करती हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बिल्कुल आपने सही सुना था। हमने ये सेवा शुरू किया था कुछ दिन पहले ही, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसको रोकना पड़ा, क्योंकि यहाँ का स्थिति उतना ठीक नहीं था और हमेशा वो गाड़ी उपलब्ध भी नहीं हो पा रही थी, तो वो सेवा थोड़ा बंद करना पड़ा। लेकिन आगे जब हम अगर हमको ये अधिकार मिलता है तो ये सेवा जल्दी शुरू होगी। यहाँ शिक्षा की कमी बहुत ज्यादा है और लोगों में आत्मविश्वास की कमी बहुत ज्यादा है, युवाओं में रोजगार की कमी है, किसानों में मतलब बीज हुआ, खाद हुआ, सिंचाई का बहुत ज्यादा कमी है, तो इस पे मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा कि ये सबको सुधारें और पंचायत को विकास की ओर लेके जाएं। पंचायत चुनाव आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य पंचायत चुनाव आने का कि हमारे समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर को बढ़ाकर हमारे देश के मुख्य धारा में प्रवाहित मतलब पुनर्स्थापित करना, और यहाँ का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है, वो हमारा पंचायत बहुत ही पीछे है, छोटा होने के बावजूद भी बहुत पीछे है, तो मेरा उद्देश्य है कि उनको थोड़ा सा विकास की ओर लेके जाना, उनको उनके स्तर को थोड़ा सा ऊपर करना और हमारे नारी शक्ति युवाओं को प्रोत्साहित करना कि कुछ आगे करें, बच्चों को सुरक्षित करना। मैंने सुना है कि पंचायत के